हमें बांध के डाल दे या फांसी पे लटका दे, कुछ भी कर सकता है, बट हमारा मन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास एक और वर्ड है, प्रेडिस्टिनेशन। ये क्या है? इन क्रिश्चियन थियोलॉजी इज द डॉक्ट्रिन दैट ऑल इवेंट हैव बीन विल्ड बाय गॉड, कि जो कुछ भी हो रहा है वो गॉड की मर्जी से हो रहा है, एंड यूजुअली विद रेफरेंस टू द इवेंचुअल फेट ऑफ द इंडिविजुअल सोल, कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है और हम जो कुछ भी करते हैं वो गॉड की मर्जी से ही करते हैं, गॉड की मर्जी के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते, चाहे हम अच्छा करें या बुरा करें, सब कुछ गॉड ही हमसे करवाता है। चलिए भाई, अगला हमारे पास वर्क है, ये एक नया कलेक्शन है, ध्यान रखेंगे ना, मैं कलेक्शन वाइज चल रहा हूं। अभी हमने ड्रामाटिक लिरिक्स को डिस्कस किया था, यानी कि टेल्स एंड पोमेग्रेनेट सीरीज में हमने ड्रामाटिक लिरिक्स को डिस्कस किया। ड्रामाटिक लिरिक्स के अंदर पहली पोइम थी पॉरीफ्रिया लवर, बाद में कुछ और भी पोइम थी उनको डिस्कस किया। इसके बाद में हमारे पास है एक नया कलेक्शन, ड्रामाटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1845। इसमें बेल्स एंड पोमेग्रेनेट सीरीज के वॉल्यूम नंबर 7th में, ठीक है ना, वॉल्यूम नंबर 7th में, मतलब 7th सीरीज में हमने इसको पब्लिश किया, ड्रामाटिक रोमांस एंड लिरिक्स को। अब ड्रामाटिक रोमांस एंड लिरिक्स के अंदर इनके बहुत सारे वर्क हैं, तो मैं कुछ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट वर्क ही आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोग इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लें, है ना। चलिए जी हाँ, पोएम आल्सो पब्लिश्ड एज इटली, ठीक है। चलिए तो देखिए, इसमें पढ़ लीजिए पहले, ड्रामाटिक रोमांस एंड लिरिक्स क्या है। तो ड्रामाटिक रोमांस एंड लिरिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोएम्स बाय ब्राउनिंग, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1845 इन लंदन, एज द 7th वॉल्यूम इन सीरीज ऑफ सेल्फ पब्लिश्ड बुक टाइटल बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स। तो आप लोगों ने देखा, इनकी जितनी भी पोएम्स हैं, जितने भी वर्क हैं, वे सभी बेल्स एंड पोमेग्रेनेट सीरीज में पब्लिश किए गए हैं। हालांकि इससे पहले ये मंथली मैगजीन्स में पब्लिश हो चुके थे, बट इन्होंने इसमें इनको सभी को इंक्लूड कर दिया। ठीक है, चलेगा। अब हमारे पास है इसका पहला वर्क, ड्रामाटिक रोमांस एंड लिरिक्स में पहला वर्क है हमारे पास, होम थॉट फ्रॉम एब्रॉड। होम थॉट फ्रॉम एब्रॉड, हम इसको होम सिकनेस के नाम से भी जानते हैं। होम सिकनेस किसको कहते हैं? ऐसा कोई कैंडिडेट जिसको घर की याद सताती रहती है, जिसको घर की याद सताती रहती है एब्रॉड में जाके, तो होम सिकनेस कहते हैं। इस पोइम को हम होम सिकनेस के नाम से भी जान सकते हैं, होम थॉट फ्रॉम एब्रॉड, मतलब विदेश से घर के बारे में सोचना। तो इट इज अ पोइम बाई रॉबर्ट ब्राउनिंग, इट वॉज रिटन इन 1845 वाइल ब्राउनिंग वॉज ऑन अ विजिट टू नॉर्थन इटली। ये उस समय पर लिखी गई थी जब रॉबर्ट ब्राउनिंग नॉर्थन इटली में विजिट करने के लिए गए थे। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन हिज ड्रामाटिक रोमांसेज एंड लिरिक्स, और ड्रामाटिक रोमांसेज एंड लिरिक्स में इसको पब्लिश किया गया था, ठीक है, 1845 में। अच्छा, यहां पर एक चीज समझ लीजिएगा कि जिस कलेक्शन में इनको पब्लिश किया गया है, उस कलेक्शन की जो पब्लिकेशन डेट है, उस कलेक्शन में जितने भी वर्क हैं उन सभी का पब्लिकेशन डेट वही है। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा था, ठीक है ना, यहां पर इसका पब्लिकेशन डेट है 1845, तो इसमें ड्रामाटिक रोमांस एंड लिरिक्स में जितनी भी पोएम होंगी उन सभी का पब्लिकेशन डेट क्या होगा? 1845 होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। तो जो जो हमारा, यानी कि जो कलेक्शन का जो पब्लिकेशन डेट है, पब्लिकेशन ईयर है, वही उस कलेक्शन के अंदर जितने भी वर्क शामिल हैं उनका पब्लिकेशन ईयर वही रहेगा जो उसके कलेक्शन का है। तो प्लीज कंसीडर एन एग्जाम्पलरी वर्क ऑफ रोमांटिक लिटरेचर। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो वर्क है एक रोमांटिक लिटरेचर का वर्क माना जाता है, क्योंकि इसका जो एवोकेशन है, इसका जो शुरुआत है, एक सेंस है उसमें किस चीज का, लॉन्गिंग ऑफ सेंटिमेंटल रेफरेंस टू द नेचुरल ब्यूटी, यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति एक सेंसुअल फीलिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है, जैसे नेचुरल फेनोमेना, बुशेस, लेक्स, ठीक है ना, पॉन्ड्स एंड वेल्स और फॉरेस्ट, इवन देन कुछ वर्ड्स जैसे कि आप बोल सकते हैं स्काई लार्क, ठीक है ना, और जैसे कि स्वेलो,
इन सभी वर्ड्स, फॉरेस्ट, विंड्स, ब्रीथिंग, फ्लावर्स, फौना, ये सारी चीजों के प्रति इसमें आपको एक सेंसुअलिटी देखने के लिए मिलती है। तो हम इसको एक रोमांटिक लिटरेचर पोएम भी बोलते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, तो होम थॉट्स फ्रॉम एब्रॉड इज रिटन एज अ फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन नरेटर के तौर पे लिखा गया है। इन विच द स्पीकर एक्सप्रेस फीलिंग ऑफ होम सिकनेस, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, इस पोएम को हम होम सिकनेस के लिए भी जानते हैं। थ्रू सेंटीमेंटल रेफरेंस टू इंग्लिश कंट्री साइड, क्योंकि इसमें उस कैंडिडेट को जो स्पीकर है, जो नरेटर है, उसको कंट्री साइड यानी कि इंग्लैंड के देहाती क्षेत्रों की बहुत याद आ रही है, बहुत मिस कर रहा है वो उनको। उनमें क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो द पोएम्स ओपनिंग लाइन्स आर रेनाउंड फॉर देयर इवोकेशन, ओह टू बी इन इंग्लैंड नाउ दैट अप्रैल्स देयर, काश मैं इंग्लैंड में होता क्योंकि अप्रैल का महीना वहां चल रहा होगा, क्योंकि वहां पर अप्रैल के महीने में राइटर को बहुत अच्छा लगा होगा कोई इंसिडेंट जिसके कारण वो वहां की चीजों को याद कर रहा है, ठीक है ना। तो ब्राउनिंग मेक्स सेंटीमेंटल रेफरेंस टू द फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब होता है वहां की जितनी भी वेजिटेबल होती है, ठीक है ना, जो भी वनस्पति होती है, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, उन सभी को हम फ्लोरा से इंडिकेट करते हैं। ऑफ एन इंग्लिश स्प्रिंग टाइम, यानी कि इंग्लैंड में जो स्प्रिंग टाइम है वहां के जो फूल पत्ती फल वगैरह हैं उनको वो रेफरेंस कर रहा है इस पोएम को यादगार के तौर पे, जिसमें वो शामिल करता है कि इसको ब्रश वुड यानी कि झाड़ियों वाले जंगलों को, ठीक है ना, हरी भरी झाड़ियों को शामिल कर रहा है यादों में। एल्म ट्रीज, ठीक है ना, पियर ट्रीज ब्लॉसम एंड साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग्स, जैसे कि सेपिनसेस है, वाइट थॉट्स है, सेलोज है और ट्रसेज है, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको वो मिस कर रहा है इनके साउंड के लिए। कुछ झाड़ियां हैं, कुछ फूल हैं, कुछ फल हैं, ये सारी चीजें उसको इंग्लैंड के कंट्री साइड की बहुत याद दिला रही हैं। तो यहाँ पर रोमांटिक आस्पेक्ट पोइट्री का देखने के लिए मिलता है आप लोगों को, ठीक है। तो दिस पोइम इज कंसीडर एज अ फीलिंग ऑफ होम सिकनेस, आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी पोइम को बढ़ाते हुए, तो इस पोइम में होता क्या है और भी समझेंगे। तो स्पीकर इन द पोइम कंक्लूड बाय स्टेटिंग दैट, यानी कि इस पूरी पोइम में जो स्पीकर है वो कहता है द ब्लूमिंग इंग्लिश बटर कप्स, द ब्लूमिंग इंग्लिश बटर कप्स विल बी ब्राइटर देन द गॉडी मेलन फ्लावर, मतलब मेलन फ्लावर है, उन मेलन फ्लावर को जिसने इटली में देखा था, ठीक है ना, जो इटली में अभी रह रहा है और इंग्लैंड के उन फूल पत्तियों को वो याद कर रहा है जिनको वो गॉडी वाटर मेलन या मेलन फ्लावर्स के फूलों से बहुत ज्यादा अच्छा बता रहा है। उसके अकॉर्डिंग ये जो फूल हैं गॉडी वाटर मेलन के या मेलन के, ये अच्छे नहीं है, है ना, और वो जो सोच रहा है इंग्लैंड के फूलों के बारे में, बटर कप्स विल बी ब्राइटर देन द गॉडी मेलन ऑफ इटली, अभी वो इटली में है तो उसको इटली की चीजें अच्छी नहीं लग रही, इंग्लैंड की चीजें अच्छी लगती थी उसको, ठीक है। एंड द पोएम इज टू स्टैंजास, टोटल पोएम में टू स्टैंजास है। तो फर्स्ट हैज एन इरेगुलर मीटर, पहले स्टैंजा में इरेगुलर मीटर है, ठीक है, इरेगुलर मीटर के साथ में और क्या क्या है इसमें, आपको अल्टरनेटिंग ट्राईमीटर देखने के लिए मिलेगा, टेट्रामीटर देखने के लिए मिलेगा और पेंटामीटर लाइंस भी देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, कुल मिला के एक मिक्सर आपको इस पहले स्टैंजा में देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, और फाइनल ट्राईमीटर लाइन भी मिल जाती है। इसके बाद में एंटायरली पेंटामीटर लाइंस एक्सेप्ट फॉर वन टेट्रामीटर, एक लाइन है वन टेट्रामीटर की, जो फाइनल स्टैंजा है वैसे आपका पूरा का पूरा पेंटामीटर लाइन में दिया गया है। टोटल पोइम की अगर हम राइमिंग स्कीम की बात कर लें तो ये है, फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम की बात कर लें तो आपकी ये है, ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर हो गया।